क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूँ, एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट CAT को DDY लिखा जाता है तो BIC को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है दोस्तों ना, ये कैट को ये DDY कैसे लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बस आप ऐसे देखेंगे, सी को क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है, यानी कि अगला अक्षर। तो यहाँ पे जो बी है तो बी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ए को क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है, यानी बी और सी का गैप लिया है, दो अक्षर का गैप लेके तीसरा लिखा है। तो यहां पे भी दोस्तों आई के बाद जे और के छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, दो अक्षर का यहां पे भी गैप ले लेंगे, इस प्रकार से समझिएगा। अब देखिए, अब फिर आगे देखेंगे दोस्तों, टी को क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टी को लिखा है वाई, तो टी के बाद दोस्तों क्या आता है, यू आता है, भी आता है, देखिएगा TUV, फिर उसके बाद WX, चार अक्षर का गैप लिया है। तो यहां पर भी दोस्तों सी के बाद हम क्या करेंगे, DEF और G छोड़ देंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे दोस्तों, H, यानी इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर होगा CLH, क्या होगा CLH, ये आंसर हो जाएगा। देखिए CLH किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है समझने के प्रयास करिएगा। देखिए प्रश्न है दोस्तों, निम्न कौन सा रेखा चित्र निम्नलिखित शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है, यानी आपको बताना है फर्नीचर, प्लास्टिक और लकड़ी के बीच, ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम के दोस्तों प्रश्न के लिए हम क्या बताएं आपको, पहले भी बताएं फिर से बता रहे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों पर आप विचार करेंगे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, फर्नीचर क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक क्या होता है, लकड़ी क्या होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। देखिए फर्नीचर के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, मेज कुर्सी ये सब जो होते हैं फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं ना, और प्लास्टिक आप समझ रहे हैं लकड़ी, यानी जो फर्नीचर होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर में कुछ फर्नीचर क्या होते हैं दोस्तों, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, आपके को पता होगा दोस्तों प्लास्टिक के भी कुर्सी आते हैं, मेज आते हैं, टेबल इस टाइप का आता है, ठीक है। तो कुछ फर्नीचर प्लास्टिक के भी बने होते हैं और कुछ फर्नीचर क्या होते हैं, लकड़ी के भी बने होते हैं, यानी इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपको ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं और ये हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न है दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे खाली स्थान है, देख रहे हैं ना, तो यहीं पर आपको बताना है कौन सा अक्षर रखे, कि एक प्रकार से दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा ये एक समूह बनेगा, एक प्रकार का ग्रुप बनेगा, देखिएगा कैसे आपको बनाना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल अक्षर काउंट करेंगे, खाली स्थान को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी है दोस्तों इसमें संख्या, सॉरी कितनी अक्षर है, 12। तो 12 का दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, 2 का 3 का 4 का या 6 का यहां पे क्या होगा दोस्तों, ग्रुप बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो यहां पे अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे बस आपको पहले ये देखना है इसमें टोटल कितने अक्षर दिख रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, टोटल 3 अक्षर दिख रहे हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, 3 ही के पेयर बनते हैं, ठीक है, जब 3 दिखते हैं तो 3 ही के पेयर बनते हैं। तो आप ऐसे करके एक बार देख सकते हैं, 3-3 के बाद दोस्तों क्या करिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 3-3 को आप बांट लीजिए, यानी कि 1 ये हो गया, दूसरा वाला ये हो जाएगा,
तीसरा वाला ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बांटना है, ठीक है। तो अब देखिए पहले वाले में ए बी है, ठीक है, और तीन ही अक्षर दिखे थे ए बी सी, तो क्या बचा है दोस्तों, सी, तो इसमें हम रख देंगे ये सी, समझ रहे हैं। दूसरे वाले में बी सी है, क्या बचा है दोस्तों, ए, तो रख देंगे ए। तीसरे वाले में सी बी है, बचा क्या है दोस्तों बताइएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, सी बी है तो बचा क्या है दोस्तों, ए। दूसरे अगले वाले में क्या है दोस्तों, ए सी है तो बचा क्या है दोस्तों, बी, तो यहां पर रख देंगे। यानी ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी। तो अब दोस्तों हम भरे क्या है दोस्तों, सभी खाली स्थान पे पहले क्या भरे हैं, सी, दूसरे वाले में क्या भरे हैं, ए, तीसरे वाले में क्या भरे हैं, ए, चौथे वाले में दोस्तों क्या भरे हैं, बी। तो देखिए सी ए ए बी किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है जिस प्रकार से 24 का संबंध 126 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 48 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ये सोचिए कि 24 और 126 में किस प्रकार का संबंध है, तो उसी प्रकार से 48 और इसमें हम करेंगे। तो अगर दोस्तों आप क्या करिए, कभी भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करिए तो संख्याओं को ध्यान से देखिए, 24 से 126 है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर भी दिखने लगेगा। ये जो 24 है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि 5 के स्क्वायर 25 और इसमें से एक कम। और ये जो दोस्तों 126 है, ध्यान दीजिएगा, ये 126 है, ये क्या है दोस्तों, 5 का क्यूब प्लस 1 है। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 5 पच्चीस 25, 125, और 125 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 126। ये चीज समझ रहे हैं। यहां पे देखिएगा दोस्तों, जो 48 है, ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो 48 है दोस्तों, ये है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 1। क्या है दोस्तों, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से एक कम करेंगे तो 48 होगा। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, यहां पे देखिए पहले वाले में हुआ 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें 5 का क्यूब प्लस 1 हो गया। यहां पे 7 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो यहां पे क्या होगा, 7 का क्यूब प्लस 1 होगा। 7 का क्यूब का मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 349 343 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 344 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे साफ से लिख दे रहे हैं, यहां पे क्या होगा दोस्तों, 344 होगा। तो देखिए 344 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड चैनल दोस्तों एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, यहां पे एक संख्या गायब है, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखिए। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 2, 3, 4, 24, 39 क्वेश्चन मार्क, 20, 30, 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। संख्याओं को थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, अगर हम ऐसे कहें तो इस लाइन में देखेंगे तो 24 बड़ी है, इस लाइन में देखेंगे तो दोस्तों क्या है, 39 बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 और 20 को हम क्या करें कि दोस्तों क्या हो जाए, 24 हो जाए, और 3 और 30 को क्या करें कि दोस्तों 39 हो जाए, उसी प्रकार से 4 और 40 को हम करके देखेंगे। तो देखिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो 2 है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और इस 4 को दोस्तों क्या करिए, इस 20 में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से इस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, समझ रहे हैं, क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो 9, और इस 9 को दोस्तों क्या करिए, इस 30 में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 39, समझ रहे हैं। अब देखिए
उसी प्रकार से इस 4 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 16, और इसी 16 को दोस्तों क्या करिए इस 40 में जोड़ दीजिए, तो 40 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 56, 56 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार और समझाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 20 जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 24 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 30 जोड़िए 39 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 16 में 40 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 56। बस यही तो करना है जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 56 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं।